को लेकर जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन जिसने लगवाई है उसके ऊपर काफी खतरा हो सकता है, इसको लेकर लोगों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। लोग बहुत डर रहे हैं कि वैक्सीन मैंने भी लगवाई है और मुझे भी खतरा हो सकता है, तो इसको लेकर क्या है सच? आइए हम बात करते हैं डॉक्टर से कि वो क्या कहना चाहेंगे वैक्सीन के बारे में। देखिए, वैक्सीन को लेकर अभी मिथ चल रहा है, एक कोविशील्ड वैक्सीन को लेके है, तो उसमें ऐसा कोई खतरा नहीं है। वो 10 लाख लोगों में एक से 2% लोगों को ऐसा होना है। उसमें एक टीटीएस नाम से एक थ्रोम्बोसाइटिक सिंड्रोम होता है जिसमें ब्लड के थक्के जमने कई केसेस हुए, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है और ऐसा जरूरी नहीं कि वो वैक्सीन से ही हो, ये पोस्ट कोविड इफेक्ट भी होता है। इसका मतलब कि जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था तो उसके बाद भी ऐसा हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि वैक्सीन से ही हो। और ये बहुत ही 10 लाख लोगों में तो एक लोग बहुत ही रेयर है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ये वैक्सीन की वजह से ही हो रहा है। देखिए, जो रूटीन टीकाकरण होता है वो बिल्कुल भी सेफ है, उसमें कोई भी ऐसी भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। वो सारी वैक्सीन जो होती है, मतलब जीवन रक्षक वैक्सीन है, उनको लगाना बहुत जरूरी है। कोविड की जहां तक बात है तो कोविड की जो वैक्सीन में जो उन्होंने अभी रिसर्च में कोविशील्ड के लिए आया है वो बहुत ही रेयर केस है। उसमें भी अभी ये भी हो सकता है कि वो पोस्ट कोविड का इफेक्ट हो, ना कि वैक्सीन का, तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। और बाकी जो लोग रूटीन टीकाकरण है वो बहुत जरूरी है, उसे जरूरी लगवाए, वो सारे टीके सेफ है, उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वैक्सीन का इफेक्ट है लेकिन बहुत ही रेयर है। कोविड के इन्फेक्शन के दौरान भी देखा गया था और बाद में कि लोगों को थोड़ा सा खून का दाढ़ा होना ऐसा वगैरह आया है, तो वो पोस्ट कोविड इफेक्ट भी हो सकता है। ऐसा करना कि बिल्कुल वैक्सीन की वजह से ये कहना सही नहीं है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेफ है। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना, तो अपना जिनको फैमिली हिस्ट्री है तो सबसे पहले उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने को चेक कराना पड़ता है। अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का, खासकर जो 40 साल से ज्यादा है, जिनको कोई भी बीमारी है, डायबिटीज, शुगर की कोई बीमारी है, तो वो अपने कोलेस्ट्रॉल रेगुलर डॉक्टर से चेक कराएं। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसके हिसाब से हम दवाइयां लिखते हैं, दवाइयां दिखाएं, तो उसमें कोई पैनिक की नहीं, बस अपना रूटीन चेकअप कराते रहें और अपना ध्यान रखें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।